खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, जिन्हे मुकद्दस मुकद्दस मर्जी के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। चौथा बाप 12वीं आयत से, उस वक्त जब यीशु ने सुनाम के यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो यशायाह नबी के मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार गैर कौमों का जलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साए मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब यीशु झील की जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों शमाउन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई दरियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, और उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से बढ़कर उसने और दो भाइयों जब्दी के बेटे यकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया, और वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो गया। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और बादशाह की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। अंजीर पाप के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सहायता। मैंने से पहले ये खबरदीन और ये मत आ गया कि थोड़े सोंदा के जो लोग दरवाजे के करीब हैं उनकी वजह से थोड़े थोड़े आगे हो जाएं प्लीज। सर्वदूरीय तौर पर आज हम हाँ इतवारों में से तीसरे इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरान रहे। तीसरा इतवार अपने अंदर एक बड़ी अहमियत रखता है, आज मैं उसका तस्करा करूंगा। सबसे पहले हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमेशा 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के दौरान खुदावंद के हजूर एक खास दिन मनाया जाता है, एक खास हफ्ता मनाया जाता है जिसे खुदावंद के हजूर बैनुल कलीसियाई इतिहाद का हफ्ता कहा जाता है। ये बैनुल कलीसियाई इतिहाद क्या है? इसमें जो मुख्तलिफ कलीसियाएं मुख्तलिफ चर्च जो बन गए हैं, जो कलीसियाएं बन गई हैं, उनको यकजा करने और उनको इकट्ठा करने के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। और ये दुआएं सिर्फ कैथोलिक चर्च में नहीं होती हैं बल्कि दूसरे गिरजाघरों में भी इकट्ठे होकर मांगी जाती हैं, ताकि हमें इस बात का अंदाजा हो कौन सी बातें हमें इकट्ठी कर सकती हैं। सो तीन बातें हैं जो हमें किसी भी वक्त में इकट्ठी कर सकती हैं, एक हमारा मसीह होना, मसीह ईमान, एक खुदा का कलाम और एक यीशु का नाम। सो ये तीनों चीजें हमें खुदावंद में जोड़ती हैं और खुदा के हजूर कलीसिया बैनुल कलीसिया इतिहाद का हफ्ता इसलिए मनाती है ताकि यीशु मसीह का वो ख्वाब पूरा हो जिसमें खुदावंद के कलाम में लिखा गया, और खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश ये है एक ही गंगा हो और एक ही चरवाहा हो, यीशु की कलीसिया एक ही हो। और ये जो कलीसियाएं बन गई हैं, बट गई हैं, टूट गई हैं, अपने अपनी मर्जी पर चलते हुए अपने अपने चर्च और अपने अपने गिरजाघर बना चुकी हैं, उस पर गौर करने के लिए कहा जाता है। और कई बार तो हमें
खुद भी पता नहीं होता कि हम चर्च का नाम क्या रखें, इतने अजीब अजीब नाम रख लिए कि आपको अंदाजा भी नहीं है। टावर कलीसिया, किसी को क्या पता अब कौन सा टावर कलीसिया है, टावर कलीसिया का नाम। बहुत सारे नाम हैं, मैं किसी का नाम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिससे आपको समझ नहीं आएगी कि अब क्या हो गया है। और इसलिए कलीसिया फिर इस हफ्ते में खास दुआ करती है, सारे हम वापस से एक हो जाएं, सारे हम इत्तेहाद में इकट्ठे हो जाएं। और पापा आजम पोप फ्रांसिस ने जब कोरोना अपने पीक पे था 2019 में, जब हर मुल्क में हर तरफ कोरोना की वजह से अमवात हो रही थी, लोग इसका शिकार हो रहे थे, तो पापा आजम ने एक बार फिर इस बात का इजहार किया और कहा कि हम इत्तेहाद में इकट्ठे हो जाए ताकि इकट्ठे मिलकर दुआ कर सकें। और 15 सितंबर 2019 को पापा आजम पोप फ्रांसिस ने कहा कि तीसरा इतवार जो कि हमेशा खुदावंद के हजूर इन दिनों में आता है जब बैनुल कलीसिया इत्तेहाद का हफ्ता मनाया जाता है, तो इस हफ्ते के दौरान जब तीसरा इतवार आएगा तो इस तीसरे इतवार हम एक खास इस मखसूस करेंगे इस इतवार को। तो पापा आजम ने आज के इतवार को कलाम का इतवार कहा, कलामे अक्दस, कलामे मुकद्दस का इतवार कहा। और आज कलीसिया कलामे मुकद्दस का इतवार भी मनाती है ताकि कलाम जो जोड़ सकता है, कलाम जो इत्तेहाद पैदा कर सकता है, कलाम जो मोहब्बत ला सकता है, कलाम जो जिंदगी दे सकता है, कलाम जो शिफा दे सकता है, कलाम जो कमजोरियों को दूर करता है, कलाम बहुत सारी बातों के साथ साथ ईमानदारों को इकट्ठा कर सकता है। इसलिए पापा आजम ने आज के इस कलाम को और तीसरे इतवार को कलाम का इतवार कहकर पुकारा और कहा हर साल तीसरे इतवार को कलाम का इतवार कहकर पुकारा जाए। तो आज कलाम का भी इतवार है, हम कलाम सुनने के लिए आते हैं। जब भी तलावत पढ़ी जाती है तो तलावत के इख्तिताम में क्या कहा जाता है, पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। एक दफा हम अपने अल्फाज बना लेते हैं और फिर ऊंची आवाज में आमीन बोल देते हैं, बल्कि जब भी कलाम पढ़ना है, तलावत करनी है, तो ये कहना जरूरी है, पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और हमारा जवाब क्या होता है, खुदा का शुक्र हो। आमीन नहीं कह रहा, खुदा का शुक्र हो कि ये बरकत हमें मिल जाए, क्योंकि हम समझते नहीं हैं, हम कलाम सुनने के लिए आते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा गया सुनने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, ईमान पैदा होता है, यह बढ़ता है। और सुनना कहां से, खुदा के कलाम से। जब आप चर्च में आकर अपने घर में खुदा का कलाम सुनते हैं तो आपका ईमान बढ़ता है, और जब किसी के पास ईमान होता है तो ईमान से बरकत मिलती है, ईमान से शिफा मिलती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने हर मोर्चे के बाद क्या कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे। सो अगर आप अच्छे होना चाहते हैं, अगर आप अपनी बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियों से आजाद होना चाहते हैं, अगर खुदा के साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सो खुदा के हजूर कलाम को गौर से सुना करें, क्योंकि इससे बरकत मिलती है। और इसलिए पापा आजम ने कहा कलाम का इतवार अगर लोग ईमान से सुन लेंगे तो ईमान में बढ़ जाएंगे, बरकत पालेंगे, इत्तेहाद में इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर खुदा के हजूर ये जो खराबियां हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये नहीं होंगी। सो इसलिए आज का इतवार बड़ी अपने अंदर अहमियत रखता है। आज के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं जो सुना है हमने। आज इशाया नबी का कलाम हमारे सामने पढ़ा गया, और इशाया नबी के सहीफे से जब हमने कलाम अकदस को सुना है तो इसमें ऐलान किया गया कि जो कौम तारीकी में बैठी थी उस पर बड़ा नूर चमका। ये कौम जो इशाया नबी के दौर में मुश्किलात सह रही थी, जलावतन थी, नाउमीद हो चुकी थी और जुल्म सह रही थी, इनके जिंदगी में ऐसे ही लगता था कि जैसे अंधेरा छाया हुआ है। और इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुश्किल के वक्त में,
खुदा उन्हें एक पैगाम देता है, यीशु मसीह के पैदा होने की बशारत दी जाती है, ऐलान किया जाता है दुनिया का नूर आएगा और तुम्हारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर देगा, वो तुम्हारी जिंदगी की अंधेरे खत्म कर देगा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया आ जाएगा। और आज यीशु मसीह जब अपनी बशारत शुरू करना चाहता है तो ये वाकया जब आज हमारे लिए पढ़ा जाता है मत्ती रसूल की अंजील उसके चौथे बाब की 12वीं आयत से, तो बताया गया यूहन्ना गिरफ्तार कर लिया गया। सो जब कोई गिरफ्तार होता है तो रिश्तेदार डरते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं कि अगर हमारे रिश्तेदार को पकड़ लिया है तो कोई कहीं ना कहीं से कनेक्शन जोड़ के हमें भी गिरफ्तार ना कर ले। सो बहुत सारे कलाम की तफसीर करने वालों ने इस वाक्या को जब सुना तो लिखा गया जब यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो यीशु जी जल्दी से नासरत को छोड़कर कफरनहूम में चला गया। सो लोग कहते हैं शायद यीशु मसीह डर गया, शायद यूहन्ना गिरफ्तार हुआ, रिश्तेदार है, यीशु का कजन है, तो शायद उसे डर लग गया तो उसको भी ना गिरफ्तार कर लिया जाए। लोगों ने इस पर बड़ी बहस करना शुरू कर दी। वो जल्दी से कफरनहूम में चला गया है, वो इलाका ही छोड़ दिया है जहां पर वो रहता, लेकिन यीशु मसीह को डरने की जरूरत नहीं थी, ये आपको भी पता है, वो डरता नहीं था। यीशु मसीह वहां से चुपके भी भागा नहीं है, बल्कि तीन चार चीजें बड़े वाज़ह तरीके से हमें पता होनी चाहिए। पहली बात, एक तो हमें पता होना चाहिए हनूज उसका वक्त ही नहीं आया था कि उसे पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, इसलिए जब वो फकीर और फरीसियों के साथ भी है कई बार वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लिखा है उसको पकड़ ना सकते कि क्योंकि उसका वक्त नहीं आया था, उसको नीचे गिराना चाहते थे पहाड़ से और किसी की जरूरत ना हो उसके दरमियान से चला गया, किसी की जरूरत ना है क्योंकि उसका वक्त नहीं आया था। सो यूहन्ना की गिरफ्तारी के साथ यीशु का इस लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो ताल्लुक है वो समझने की जरूरत है, उसे इशाया नबी के इस सहीफे को पूरा करना है जिसमें आज ऐलान किया गया जबलून की सरजमीन, नफ्ताली की सरजमीन, जील की राह, उर्दन के पार, गैर कौमों का जलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। यही अल्फाज इशाया नबी के सहीफे में नामे बाप में लिखे गए जो आज की पहली तलावत में हमने पढ़े। यही बात यीशु के दौर में बताया गया जब उसने उस इलाके को छोड़कर कफरनहूम की तरफ गया और फिर ये नफ्ताली और जबलून की सरजमीन की तरफ यीशु मसीह। सबसे पहले तो यीशु मसीह डरता नहीं है, यीशु मसीह अगर छुप के बैठ जाता तो फिर तो समझ आती थी, लेकिन यीशु मसीह ने एक और काम किया। पहले वो आराम से बैठा था, अब यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद वो बाहर निकला है। बताना क्या चाहता है, यूहन्ना इस तबाही का दौर खत्म हुआ है, उसका मिशन मुकम्मल हुआ है और उसे यीशु को पता है अब ये गिरफ्तार किया गया है, अब जेल में ही इसका सर काटा जाएगा और गिरफ्तार होने के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुदा के मिशन को चलाऊं। और इसलिए यीशु ने मुनादी करना शुरू कर दी। यीशु तो बाहर निकल आया है, दूर दराज के इलाकों में जाकर बयान देने लगा है, ये नफ्ताली की सरजमीन और जबलून की सरजमीन ये कफरनहूम के ऊपर के हिस्से में है और एक हिस्से में यहूदी और गैर कौम आबाद हैं और वो यहूदी जो गैर कौमों के साथ मिल चुके हैं और उसके बाद नीचे वाले हिस्से में जहां पर यहूदी लोग आबाद हैं खुदावन इनके दरमियान चला गया है और इनके दरमियान जाकर कलाम की बशारत दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, वो तो सबके लिए आया है, वो सब पर अपनी रोशनी चमकाने के लिए आया है क्योंकि वो दुनिया का नूर है। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद अगर किसी कभी अंदाजा हो, हमें कभी किसी ने टेलीविजन पर रेले रेस देखी हो जिसमें एक वक्त में चार साथी दौड़ते हैं, एक पहुंचता है एक निशान तक और वहां वो अपने साथी को एक चीज पकड़ाता है, उसके बाद दूसरा साथी भागता है, फिर तीसरा भागता है और फिर चौथा भागता है, तो फिर इस तरह से रेस चलती है, एक दूसरे को पास करते हैं।
या ओलंपिक मिसल जो है, एक उठाता है वो बाघ कर एक पॉइंट पर जाता है, वहां से फिर दूसरा पकड़ता है वो आगे बाघ के जाता है, फिर तीसरा पकड़ता है वो जलन। सो खुदा के हजूर यूहन्ना इस तबागी का सफर इस जेल तक था। वो जो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, वो जो बपतिस्मे देता है, वो जो लोगों को पुकार पुकार कर और सच्चाई की बातें बता बता कर लोगों को तैयार करता है, उसका मिशन यहां तक है। और इसीलिए यूहन्ना रसूल की इंजील उसके पहले बाप में बताया गया, वो एक जलता चराग था जिसकी रोशनी से तुम कुछ देर के लिए महसूस हुए। उस रोशनी को देखकर लोग खुश हुए, खुदा का नबी हमारे दरमियान आया। लेकिन अब वो आया है जो दुनिया का नूर है, अब वो आया है जिसकी रोशनी खत्म होने वाली नहीं है, अब वो आया है जिसकी रोशनी सबको रोशन करती है। और इसीलिए खुदावंद के हजूर यूहन्ना के मिशन के बाद अब यीशु का मिशन शुरू हुआ। फिर यीशु मसीह उसी से शुरू करता है जो यूहन्ना ऐलान करता है, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। लेकिन यीशु जब करता है बात, तो यीशु कहता है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। फर्क आ गया लफ्जों में, लेकिन पैगाम एक ही है, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना ऐलान कर रहा था खुदा नजदीक आ रहा है। यीशु जब आया है तो उसने बताया मैं वो हूं जो आसमान से उतरा हूं, इसलिए आसमान की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ गई है। मैं ही हूं जो आया है और जमीन पर आया है, मैं तुम्हारे नजदीक आ गया हूं। तौबा करो, अपनी जिंदगी में तब्दीली ले आओ ताकि तुम जान सको कि खुदा बन के हुजूर। सो खुदा के हुजूर इन बातों पर हमें गौर करने की जरूरत है। पहली बात, यीशु मसीह उस जगह को छोड़कर चला जाता है। कितने लोगों ने खुदा के कलाम को सुना, बातें सुनी और फिर छोड़कर अपना सफर शुरू किया, नई जिंदगी शुरू की। इब्राहिम को बुलाया, सफर शुरू हुआ, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, खुदा के हुजूर छोड़ दिया और आबाव अजदाद को, अपने मालो दौलत को, अपने मवेशियों को, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ अपना घर पर छोड़कर खुदा की तरफ, उस वादा की सरजमीन की तरफ चल पड़ा। खुदावंद आज अपना घर पर छोड़ देता है, मरियम और यूसुफ को छोड़ देता है, अपना पेशा जो लकड़ी का है वो छोड़ देता है, खुदा के हुजूर जो बढ़ई का पेशा यीशु मसीह इख्तियार करता है वो छोड़ देता है और नए मिशन के लिए जाता है। दूसरा काम दावत देता है, तौबा करो। तौबा की दावत सबको दी जाती है। खुदा का कलाम पढ़ता है, मौजज़ात करता है, उन्हें तालीम देता है, उनकी जिंदगी में नई रोशनी लाता है, जीने की नई उम्मीद लाता है, उनके बुरे हालात में उनको जिंदगी की बिशारत देता है और इसीलिए कुचले हुओं को आजादी देता है, बीमारों को तंदुरुस्त करता है, जकड़े हुओं को आजाद करता है। और खुदा के हजूर लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। खुदा के कलाम की बिशारत सब तक पहुंच गई है। तीसरा अमल जो यीशु करता है, बुलाता है। और आज उसने चार शागिर्दों को बुलाया, दो खानदानों से दो दो बेटों को अपने लिए बुला लिया, दो खानदानों में से दो दो बेटों को अपने लिए बुला लिया। कोई सवाल कर सकता है क्या यीशु अकेला काम नहीं कर सकता था? कर सकता था, वो खुदा का बेटा था और खुदा का बेटा है और खुदा का बेटा रहेगा, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन क्यों वो चिंता है, क्यों उसे जरूरत पड़ती है दूसरों की? और ये बात जानना बड़ा जरूरी है, वो दूसरों को साथ लेके चलना चाहता है। दूसरों के साथ कोई भी अदारा, कोई भी मिशन उस वक्त तक कामयाब नहीं होता है जब तक दूसरे लोग उसमें शामिल ना हो। कोई भी कारोबार नहीं चल सकता जब तक आप दूसरे लोगों को शरीक नहीं करते। कोई भी दुकानदारी चल नहीं सकती है, कोई भी अदारा कामयाब नहीं हो सकता जब तक दूसरे लोग उस मिशन में शामिल होकर उस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए खुदावन यीशु मसीह रसूलों को चुनता है। सो आज दो खानदान के दो दो बेटों को चुना है। सो पहला सवाल आप सबसे है, क्या हम अपने खानदान से कोई एक बेटा और एक बेटी नहीं ले सकते हैं?
सो आज बुलाहटों के लिए भी सोचने की जरूरत है। तैयार करना चाहिए अपने बच्चों को, अपने बेटों और बेटियों को आने वाले मुस्तकबिल के लिए, खुदा के खादम होने के लिए, खिदमत के लिए। कुछ सिस्टर बन सकते हैं, कैटेकिस बन सकते हैं, मुनाद साहबान फादर्स बने, ब्रदर्स बने। खिदमत का बहुत काम है जिसमें खुदावंद के हजूर आज यीशु मसीह को एक ही खानदान से दो दो बेटों की जरूरत पड़ती है और दो दो बेटे खुदावंद की नजर किए जाते हैं, खुदावंद बुलाता है। स्वामी खुदावंद के हजूर इस बात पर तवज्जो करना चाहिए, मुस्तकबिल के खादमीन के लिए अपने बच्चों को पेश करना चाहिए। यीशु मसीह ने बुलाता है, पहले पतरस जिसका नाम शमाउन है और उसके भाई इंद्रियास को, जो अपने बाप के साथ कश्तियों पर सवार थे और मछलियां पकड़ रहे थे। फिर एक और खानदान जो जब्दी का खानदान है, उसके दो बेटों यकूब और यूहन्ना को बुलाया जाता है, जो अपने बाप के साथ क्या कर रहे थे, जालों की मरम्मत कर रहे थे। मरम्मत करने का मतलब क्या है? मरम्मत करने का मतलब क्या है? मछलियों के ज्यादा होने की वजह से, किसी और वजह से जाल जो थे फट गए या टूट गए। हम सारे नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, ऐसी है नेटवर्किंग, जो हमारे आप सिग्नल टूट जाते हैं, अगर आप मोबाइल के सिग्नल जब टूटते हैं तो हमें पता चलता हमारी बात खत्म हो जाती है, नेटवर्किंग खराब हो गई है। हम हर एक नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, अदारे, चीजें, बिजनेस, अगर उसकी नेटवर्किंग खराब हो जाए तो फिर फायदा नहीं होता है। तो अगर ये जाल भी मरम्मत ना किए जाए तो क्या होगा, फिर मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी, बिजनेस में नुकसान होगा। अब अपने कलीसिया की तरफ आते हैं, कलीसिया की नेटवर्किंग में अगर खराबियां आ जाए तो फिर क्या होता है, उसको मरम्मत करने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, खानदान में जब खराबियां आ जाती हैं तो फिर उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए? हम ऐसे करते हैं, इनसे रिश्ते तोड़ दो, इनसे ताल्लुक तोड़ दो। एक खानदान में, खानदान के अंदर ही भाई भाई बहने आपस में नेटवर्किंग खराब कर बैठते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते, खराबियां कर लेते हैं। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, शागिर्दों से देखो सीखो, मरम्मत करना जरूरी है, जोड़ना जरूरी है। नेटवर्किंग होगी तो सिग्नल आएंगे, रिश्ते जुड़ेंगे तो फिर रिश्तों में बरकत आएगी, ताल्लुकात अच्छे होंगे, रिश्ते होंगे। टूटे हुए चीजों को जोड़ना बड़ा जरूरी है। और खुदा के हजूर इन टूटे हुए को जोड़ने के बाद ही बरकत मिलती है, नहीं तो सेपरेशन होती जाएगी, रहदा होते रहेंगे, दूर होते जाएंगे, ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, बातचीत खत्म हो जाएगी, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हम अकेले रह जाएंगे। जैसे आजकल सोसाइटियों में नाम संग करते हैं लोग, सबसे टूट जाते हैं, पता भी नाम साथ वाले घर में कौन है। हाँ, और रिश्तेदार इतने अच्छे है नहीं, उनके पास गाड़ियां सब कुछ है नहीं, वो बार बार कर इनके साथ रिश्ते जोड़े जाके मिले, मुलाकात करें, जरूर जाना चाहिए सोसाइटियों में, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सिर्फ मिसाल के तौर पे कि हम ऐसे हो जाते हैं जैसे अलहदा हो गए दूसरों से। सो खुदा के हजूर ये ताल्लुकात जोड़ना, ये ताल्लुक रखना बड़ा जरूरी है। और आज की दूसरी तलावत में भी इसी बात का ऐलान किया गया है, कुरिन्थस की कलीसिया में क्या चल रहा है, यही लड़ाई हो रही है। कोई कैफा के लिए लड़ रहा है, कोई पलूस के लिए लड़ रहा है, कोई अपलूस के लिए लड़ रहा है, मसीह के लिए कोई भी नहीं है। मैं उसका हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। आज कलीसियां भी इसी तरह से बट गई, आज एक कैल्डर दूसरे से लड़ा, मैं अपना गिरजा बना लूंगा, मैं अपनी कलीसिया बना लूंगा, मेरे पीछे बड़े लोग हैं, मेरे इतने लोग हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने जानने वाले हैं। हम तो सारे मसीह के फॉलोअर्स हैं, मैं कहां रहा, मेरा कुछ नहीं है, हम सारे के सारे यीशु के हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा, और पौलुस ने कहा मसीह मेरे अकेले की खातर नहीं मरा, वो सबकी खातर मरा है।
मसीह ने जरूर हमें ये बरकत दी है कि हम बपतिस्मे ना लें, हम खुदा के कलाम की मुनादी करें, कलाम की बशारत दें। और कलीसिया के अंदर भी लोगों की कुछ ऐसे ही रवैये होते हैं, जानबूझ के ही किसी न किसी बात पे तनकीद कर देना, खुद कुछ करना नहीं और जो अच्छा हो रहा है उसमें कीड़े निकालना है, अपना काम मुकम्मल नहीं करना, दूसरों के काम में टांगे उड़ा देनी है, ना खुद करेंगे ना किसी और को करने देंगे। चर्चिस में, छोटे छोटे चर्चिस में इतने सारे बखेड़े हैं आपको अंदाजा नहीं है। छोटे छोटे चर्चों के हम खुद ही इंचार्ज बनना चाहते हैं, गल्ला किसके पास होगा, खजांची कौन होगा, कौन लगाएगा, कौन लड़ाई कराएगा, कौन ऐसे बखेड़े पैदा करेगा कि कुछ भी इकट्ठा ना रहे। सो इसीलिए मुकदस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को भी इसी बात का ऐलान करके बताते हैं। आज की पहली तलावत, पहला बाब और 13वीं आयत में इस बात का ऐलान किया गया है, क्या हो रहा है, तुम में ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए हैं, कोई खुदा की मौजूदगी को देख ही नहीं रहा, कोई खुदा के हाथ को देख ही नहीं रहा, अपना अपना मिशन लेके हम अपना अपना चर्च और अपना अपना सब कुछ बना रहे हैं। मसीह खुदावन कहां है, उसका कलाम कहां है, इसलिए पापा आजम ने कलाम का एतवार है, कलाम कहां है, मसीह कहां है, हम अपने अपने बोल और अपनी अपनी चीजें लेकर बैठे हुए, मैं कहां पे हूं, मेरी पहचान गुम हो गई है, मैं कहीं खो गया हूं, मुझे लोग सलाम नहीं कर रहे हैं। खुदा के हुजूर इसीलिए बताया गया, खुदा के हुजूर जो जिसकी जिम्मेदारी है। और फिर बार बार के जो छठा बाब है करंथियों का नाम खत, उसका पहला करंथियों का खत, उसके छठे बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल फिर एक और बुराई का जिक्र करता है। अगर हमारे कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अपने जाल बुनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन जालों की मरम्मत करने के लिए, उन लड़ाइयों के फैसले कराने के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम में एक भी अकलमंद आदमी नहीं है, तुम गैर कौमों के पास जाते हो, बार बार के वो चौधरी की बात जाएंगे, उस चौधरी की सुन देंगे, उस मुस्लिम के पास जाएंगे, अमल कमेटी के पास जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल गुस्से के साथ कहते, क्या तुमने एक भी अकलमंद नहीं है कि तुम्हारा बैठकर कोई फैसला कर सके, तुम्हारे इस फटे हुए जाल को मरम्मत कर सके, तुम इस फटे हुए जाल को लेकर अपने फटे हुए कपड़े और अपने फटे हुए जाल गैर कौमों के सामने दिखाते हो, कितने हमारे जाल फटे हुए हैं, कितना हमारा बुरा हाल है। और इसलिए वो कहता है, तुम्हें अपने बपतिस्मा याफ्ता होने और मसीह के पैरोकार होने का फसल का पता ही नहीं है, बेदीनों के पास जाकर तुम अपने फैसले कराओगे तो फिर कौन तुम्हें अकलमंद कहेगा, क्या तुम एक भी अकलमंद नहीं है जो तुम्हारे फैसले कर सके। तुम अपने जिंदगी और ईमान पर गौर करो, बपतिस्मा याफ्ता लोग आसमान पर दूसरों का इंसाफ करेंगे, उनके फैसले करेंगे, और तुम जमीन पर अपने फैसले गैर कौमों से करवा रहे हो। और इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल बहुत गुस्से से बोलता है, और आज भी वो ऐलान कर रहा है, इत्तेहाद की तरफ तवज्जो करो, ये बगाड़, ये जो चीजें खराब करने वाले लड़ाई झगड़े नफरत हसद, ये हमारी जिंदगी से दूर होना चाहिए, खुदा की जिंदगी और उसकी मौजूदगी पर गौर करो। जबकि खुदा की मौजूदगी का जिक्र आता है तो हम देखने की कोशिश भी करते हैं खुदा कहां पर है। एक आदमी एक दिन बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाता है, जैसे सलून में दाखिल होता है तो वो उसको बैठाता है, उसके बाल काटने लगता है, तो जो सलून का मालिक जब बाल काट रहा है तो उस बंदे के साथ बातें शुरू कर देता है, खुदा तो दुनिया में है ही नहीं है, जब हम बाहर देखते हैं गलियों में इतना गंद है, गुर्बत है, गरीब बच्चे हैं, भूखे हैं, यतीम हैं, लावारिस हैं, बीमारियां हैं, हर तरफ इतना बुरा हाल है कि ऐसे लगता है खुदा तो मौजूद ही नहीं है, इतनी गुर्बत, इतना कुछ नुकसान नजर आता है कि जैसे खुदा दुनिया में है ही नहीं है। ये जो बाल कटवा रहा है ये उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता,
कोई उसको कमेंट नहीं करता, वो बोलता रहता है और बहुत बुरी बुरी बातें, कभी बीमारियों की बातें, कभी कमजोरियों की बातें, कभी तन्हाई की बातें, कभी नफरत की बातें, और इन बातों का तस्करा कर करके उसको सुना रहा है। खुदा तो है ही नहीं दुनिया में। जब इस शख्स के बाल काट दिए जाते हैं, उसको पैसे देता है और पैसे देकर ये बाहर निकलने लगता है, तो एक पांव उसका बाहर होता है और एक उसके सलून के अंदर। तो बाहर देखता है 3-4 नौजवान जा रहे हैं, उनके लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ियाँ और अजीब अजीब से उनके फैशन देखकर ये शख्स जो बाल अभी कटवा के गया है ऊंची ऊंची बोलना शुरू करता है, दुनिया में तो नाई है ही नहीं है, दुनिया में तो कोई बाल काटने वाला नहीं है। तो ये एकदम से पीछे देखता है, उसके तरफ कहता है, ओ भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले तेरे बाल काटे, मैं नाई हूं। कहता है दुनिया में नाई नहीं है। कहते अगर दुनिया में नाई होते तो ये नौजवान ऐसे लंबे लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ियां और अजीब अजीब फैशन करके ना फिर रहते, इसलिए दुनिया में ये जो नाई है वो है ही नहीं है। वो कहते अभी मैंने तेरे बाल काटे हैं, तू कैसे कहते है नाई नहीं है। कहते नहीं है, देखो उनके बाल, देखो उनकी दाढ़ियां और उनके फैशन, देखो उनके लंबे लंबे अजीब अजीब से बाल हैं, दुनिया में नाई नहीं है। तो कहता है भाई ये अगर ये लोग जो ये लड़के नौजवान अगर मेरे पास आएंगे तो मैं इनके बाल काटूंगा, फिर पता चलेगा मैं नाई हूं। तो ये शख्स भी बोलता है जब ये सारे गरीब, ये जो कमजोर और बीमारियों में लदे हुए जब तक खुदा के पास नहीं आएंगे तो इनको कैसे पता चलेगा कि खुदा है। जिस तरह नाई के पास जाने से अगर पता चलता है कि नाई है, इसी तरह जब तक तुम खुदा के करीब नहीं आओगे तब तक तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि खुदा है। सो इसलिए वो कहता है बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आओगे उसके पास तो फिर समझ आएगी, आओगे फिर उसकी मौजूदगी का पता चलेगा, आओगे तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा। और आज खुदा आप सबको भी ये दावत देता है, आओ मेरे पास, आओ उसके हजूर, मेरे पीछे बोलो। ये आवाज आती है लेकिन हम उसके पीछे नहीं होते, हम सुनते नहीं है। शमौन पत्रस और उसका भाई नरियास, यकूब और यूहन्ना, चारों को बुलाया और सिर्फ यही कह रहा मेरे पीछे हो लो। तो फिर बड़ी आवाज के साथ यीशु जी ने यह कहा है, वो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिए, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हमें खुदा बुलाए तो हमारे लिए तो आज के दौर में एक तो पहले कंबल छोड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है। कंबल कैसे छोड़ेंगे, सर्दी होगी, जब रात को बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू मैं कर लू मेरे लोग की पावस वेरे होनी ना मौका मिल जाएगा, बारिश आ गई अब क्या करते जाना। सलाम को फिर मैंने दुआ की आप सबके लिए कि आप लोग आ जाओ, और उसके बाद कभी हमारा कोई ड्रामा हमें रोक देता है। कई बार हम सुन भी रहे होते हैं आवाज आ रही होती है थोड़ी सी दुआ कर लो, हमारे दिल से आवाज आ रही होती है रोजरी पढ़ लो, मुश्किल में हो तो दुआ में खुदा को याद कर लो, खुदा के कलाम को पढ़ लो। आपके घर में जो कलाम पढ़ा है कितनी बार उसको हाथ लगाया है, कितनी बार उसको उतारा है, जिस ऊंची जगह पर रखा है उसके ऊपर कितनी को मट्टी पड़ गई है हमें यह भी अंदाजा नहीं है। और कई सोचते होंगे हम अनपढ़ हैं, हम कैसे खुदा के कलाम को पकड़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आप मेहरबानी से उसको उतारा करें, नीचे अपने हाथ में लें, अपने हाथ में लें उसे और उसे खोला करें। खोल के सिर्फ नहीं भी आपको पढ़ना आता, आप अपनी उंगली रखें एक एक लफ्ज के ऊपर, आप अपनी आंखों को दीदार करवाएं उस खुदा के कलाम का, आप उसको देखने की कोशिश करें। आपको खुदा हो सकता है ऐसी बसीरत दे रहे कि आप उंगली रखने से उसको पूरे को पढ़ सकते हैं। हर रोज एक सफे के ऊपर, एक एक लफ्ज के ऊपर मैं उंगली रख के खुदा के हुजूर उसको याद करूं तो खुदा क्या पता बसीरत दे दे, क्या पता खुदा के हुजूर आप अनपढ़ लोग भी कह सकते हैं मैंने खुदा के कलाम के एक एक लफ्ज को छुआ है, एक एक लफ्ज को मैंने अपनी आंखों के नीचे से गुजारा है, मैंने नजर की है, मैंने देखा है, चाहे मुझे पढ़ना आता है या नहीं पढ़ना आता, लेकिन इसके वसीला से
कितनी बरकतें मिलती हैं। और आज जब हम कलाम का इतवार मना रहे हैं तो बताया जाता है कलाम के अंदर ताकत है। कलाम के अंदर कौन सी ताकत है? एक तो सुनने से ये ईमान बढ़ा देता है। कलाम के अंदर कितनी ताकत है? ये हमें हमारी बीमारियों से आजाद कर सकता है। कलाम के अंदर कितनी ताकत है? ये हमारे अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत और जिंदगी पैदा कर सकता है। कलाम जिंदा कलाम है, ये हमारे दिल के अंदर उतर सकता है, ये हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। खुदा के कलाम में इतनी बरकत है कि आपको अंदाजा नहीं। अब इसी कलाम को सुनने के लिए आते हैं, और अगर कलाम सुनने के बाद हमारी जिंदगियां तब्दील नहीं होती हैं तो फिर कलाम सुनने का फायदा नहीं। सो ये कलाम हमारी जिंदगी में उतरना चाहिए, ये कलाम बरकत बनना चाहिए सबके लिए। और इसीलिए खुदा के हुजूर बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि हम खुदा के हुजूर जब आए तो कलाम को गौर से सुने। और अगर कलाम सुन के भी हमारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा हमारे आने का? जगह दें उसको अपने अंदर। फिर बताया खुदा का कलाम दो धारी तलवार की तरह है जो गूदे गूदे को जुदा कर सकता है, हमारे जिस्म के एक एक हिस्से में ये दाखिल हो सकता है, एक एक हिस्से के अंदर जाके बरकत दे सकता है, एक एक हिस्से को पाक कर सकता है, एक एक हमारे जिस्म की बीमारी को हमारी जिंदगी से निकाल सकता है। लेकिन हम कभी इस ईमान से देखते नहीं है। सो जरूरी है खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें। आज यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको बुलाना चाहता है, आपकी हाँ चाहता है, चाहता है कि हम यीशु के पीछे बोलें। पता भी है 10 बजे हमारे चर्च का टाइम है, फिर भी हम 10:30 बजे तक पहुँचते हैं। हम देख करते हैं कुछ ना कुछ वजह बनी जाए, ना ही जाए तो कोशिश करें हम टाइम से आए, खुदा के घर में आए, खुदा से बरकत पाए और खुदा हमारी जिंदगी को तब्दील करेगा। ज़रूर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें और उसी के वसीला से बरकतें पाकर हर बीमारी से आज़ाद हो जाएं और खुदा के नाम को जलाल दें, मसीह खुदा उनके वसीला से। आमीन।